हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक दो तीन चार जुगाड़ो देखो बार बार। एक दो तीन चार जुगाड़ो देखो बार बार। एक दो तीन चार जुगाड़ो देखो बार बार। कपिल शर्मा तुम फिल्में करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नंदिता दास जी नमस्ते, नमस्ते जी। चाना गोस्वामी जी नमस्ते, कपिल शर्मा जी नमस्ते, राजीव ठाकुर जी यहाँ कैसे? तू कहाँ है, अकेले चश्मा पहन के आई है? दीदी अपने बंदे की फिल्म आई, आज मैं एटीट्यूड में रहूंगी। आज तो एटीट्यूड बनता है अर्चना जी, बनता है तू है। लेकिन हमने ना प्रमोशन का पूरा तैयारी कर दिया है नंदिता दास जी, आपको जान के बहुत खुशी होगा। दिखाते हैं एकदम। सुबह जाग के क्या करोगे? जुगाड़ो देखेंगे। लंच खाओगे दोपहर में फिर क्या करोगे? जुगाड़ो देखेंगे। रात को 2 बजे अचानक से आँख खुल गया तो क्या करोगे? जुगाड़ो देखेंगे। तेरी अम्मा ने खोल के रखा है थिएटर रात को 2 बजे। रात को 2 बजे आँख खुलेगा तो तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि हमें सुबह जाग के क्या करना है? क्या करना है? अरे रात को 2 बजे क्या करने जा रहा था? जुगाड़ो देखेंगे। अरे तो कुछ भी नहीं है, हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। दिखाइए दिखाइए। ये देखे पे है टैटू मेकिंग मशीन। इससे क्या बनता है? टैटू। ये हाथ में टैटू। हाथ में लेके जाओ, रास्ते में जो कोई भी दिखाई दे ना उसको पकड़ो, उसके माथे भी जिज करके लिखो जुगाड़ो। ठीक है? कोई अगर तुम्हें ना करे, मना करे, गुस्सा हो, लड़ाई करे, हाथापाई करे तो आपके पास आ जाएंगे। ना इनके पास आना, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है? अभी निकलो चलो। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। पूरा तैयारी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरा कर दिया है, थैंक यू। दीदी ये तो वही है ना जो होस्ट की सीट पे बैठते थे, आज वहां बैठे हैं। होस्ट के सीट से उठ के वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगता है। सही बात है। दीदी वहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यहाँ मेहनत है, दोस्ती यारी में हो जाता है। ये बंदा आज होस्ट है क्योंकि ये दोस्त है। या फिर ये दोस्त है इसीलिए होस्ट है। आप देख रहे हैं हमारा छोटी बहन पर कितनी सयानी हो गई है। ये आपका फिल्म का जो मजदूर डायलॉग को लेकर ठीक पकड़ा है इन्होंने। ये देखिए क्या प्रमोशन किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। बड़ा अच्छा किया है। थैंक यू दीदी। दीदी ये तो वही ना जो रावण में थी, रॉकवन में थी, हीरोइन में भी थी। शाहना गोस्वामी जी। आप तो पेरिस में भी रह चुकी हैं, आपको पता है मुझे फ्रेंच में वो सबसे अच्छा लगता है। फ्रेंच में ही अच्छा लगता है, मतलब ये क्या है? दीदी फ्रेंच दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंच दाढ़ी। तो इतनी अच्छी लगती है तो दोनों बहनें रख क्यों लेती? तू शेव करा के सूट पहन के यहाँ पे आती हो? शर्मा जी आज ये होस्ट का कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं? क्यों? मैं उठूंगा ही नहीं। नहीं आपको उठना नहीं, आपके ऊपर ही तो हमें बैठना है। ये फालतू बातें करने आओ यहाँ पर, ये मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है इसलिए बैठा हूँ। हमें पता है कि आपके दोस्त की फिल्म आ रही है, यहाँ जो कुछ भी आता है आपके दोस्त का ही आता है, आपका तो कुछ आता है नहीं। और इसको तो शर्म भी नहीं आता है। मेरे को शर्म आती है इसलिए 4 पैसों के लिए इस तरह औरतें बन के नहीं आता मैं। ये ओरिजिनल नहीं है आपके शो में? अच्छा। हाउ फनी यू गाइस आर यार। इन फुल कैरेक्टर ही है। और वैसे भी है ना, हम 4 पैसों के लिए नहीं ऐसे बन के आते हैं, थोड़ा ज्यादा है, रिसर्च करो थोड़ा। बहुत अच्छे। वैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते थे। हाँ हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। ये हमारी बहन है रानी, हमारे गाँव से आई है, बड़ी प्यारी लड़की है। शर्मा जी हमारा ना एक मौसी का बेटी का शादी हो रहा है, तो वहाँ पे 500 बाराती रहे, उनको जरा खाना खिला दीजिएगा। ये क्यों खिलाएंगे? अब फिल्म में तो बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है। करो। हाँ ये 500 बोल रही है और 450 का खाना खुद खाएंगी।
आपको पता है इनका जो बेटा है ना, एक कमाल का बात आपके लिए फिल्म में उसने कहा, क्या क्या कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ट्राई करते। कॉमेडी जो है सूट नहीं हो रहा। लेकिन शर्मा जी एक चीज आपसे पूछना था। क्या? हम फिल्म का ट्रेलर में देखे आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना गर्मी है और गर्मी के अंदर आप बाइक पर बैठ के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, सामान अपने हाथों से उठा रहे हैं, अपने हाथों से डिलीवरी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका कोई दोस्त आपका हेल्प करने नहीं आया। यार सोनी टीवी थोड़ा सा पैसा क्या दे रहा है? ये कूद कूद के आया है आपका दोस्त। यार दोस्त इधर बैठ के कितनी देर से प्रमोशन कर तो रहा है। मैंने तो अपने फॉलोअर्स को भी बोला है कि ज़ुगैटो जरूर देखें। आपके फॉलोअर्स को? यस। 35 लोग में थिएटर भर जाएगा। ओहो छा गई गुड़िया। दीदी 35 नहीं 33, हम दोनों ने आज सुबह इसको अनफॉलो किया है। वापिस 35, इन दोनों ने मुझे फॉलो भी किया। मैंने पूरी फिल्म कर ली, मुझे नहीं आज तक उन्होंने किया इसलिए फॉलो कर लिया। वो किसी को भी फॉलो नहीं करती। मैं इसीलिए किसी को भी नहीं फॉलो करती। झूठे, वरना पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना। थैंक यू वेरी मच। बच के रहना अच्छा है। पांच बातों का एक ही बात में आपने काम खत्म किया। पर आपसे यहाँ से शुरुआत की थी मैंने इनसे। यू आर इंक्लूडेड। यस दीदी, इनको छोड़िए प्रमोशंस, मैंने असली प्रमोशंस किया। आपको पता है हर जेंट्स बाथरूम में मैंने अपना नंबर लिख दिया है। जेंट्स बाथरूम में नंबर लिखा, ये कैसा प्रमोशन हुआ? यदि वो लोग फोन करेंगे और मैं बोलूंगी हेलो, पहले ज़ुगैटो देखो तब बात करूंगी। एक मिनट, ज़ुगैटो फिल्म देखने के बाद जब वो फोन करेंगे तब तू क्या बातें करेगी उनसे? यदि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बोली है हमारी बहन, तू टेंशन मत ले, फोन आएगा ना वो कॉल हमारे डाइवर्ट कर देना। हम बात कर लेंगे, हो सकता है कि तेरा होने वाला जीजा हमें बाथरूम के रास्ते से ही मिल जाए। लेकिन आपको बताएं शर्मा जी, हमने भी ना प्रमोशन में कोई ऐसा कमी नहीं छोड़ा। वो तो हम देख ही रहे हैं। हमने 150 लोग को 150 पीपल को हायर किया। अच्छा। उनको टी शर्ट पहनाया, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा ज़ुगैटो। फिर हमने उनसे कहा तुम जाके करो चोरी। नहीं लेना है, वो चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा में दिखेंगे। हाँ। फिर वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज न्यूज में आएगा, टीवी में आएगा, पेपर में आएगा, सबको पता चल जाएगा फिल्म आ रहा है ज़ुगैटो। वाह गुड़िया। एक और तरीका है, ज़ुगैटो का पोस्टर लो और अपने मुंह पे लगा लो, ये मुंह वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे। आप उसके पीछे क्यों नहीं जाते कभी? किसके? सलाखों के पीछे। नहीं सच में आप बड़े अच्छे लगेंगे वहां पे, वो जो कच्चा देते हैं ना कैदियों को, बड़ा सूट करेगा। और वो कच्चा मुंह पे पहनिएगा। टू मच हो गया है तो। सॉरी कपिल जी, सॉरी शाहना जी, सॉरी, हमने ये शो 3 महीने के लिए शुरू किया था और 10 साल हो गए इस शो को। 10 साल जो हुए हैं ना हमें और इनको हुए हैं। हाँ। आप भी 10 साल से? हम भी हैं 10 साल से। हाँ। ये जो महोदय हैं जो इतना प्रवचन दे रहा है। हाँ। ये अभी 3 महीना पहले ही आए। दीदी चलिए ना, हमें बहुत सारे प्रमोशन करने, चलिए चला जाए। ठीक है चलते हैं, अभी आपका फिल्म सुपर डुपर हिट हो ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गुड़िया। थैंक यू। थैंक यू। कपिल मैं आपसे पूछूं कुछ? जी, अगर आपको अपने आप से कुछ पूछना होता। नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि आप इतना होस्ट करते हैं, अगर आपको अपने आप से पूछना हो तो आप क्या पूछते? यार ये ना ऐसी इंटेलेक्चुअल बात कर देती ना। अब इसमें इंटेलेक्चुअल जो मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं सोची होती, ऐसी बात कर देंगी ये कभी कभी। जैसे आपको कॉमेडियन का लेबल लगा दिया ना, मुझे ये इंटेलेक्चुअल का लेबल लगा दिया। ऐसे सब मुझे आने से पहले कह रहे थे चश्मा उतार दो, चश्मा उतार दो। मैंने कहा वो है ही लेबल, कुछ मैं कुछ चश्मा उतारू ना उतारू जाने वाला नहीं है, तो अब इसे अच्छा पहने रखू ताकि दिखे आप लोग सब सही से। पर बताइए सच्ची में, पर बालों में कल मैंने आज पहली बार देखे, पूरी शूटिंग में नहीं मैंने देखा, वहां पे जूड़ा बांध के गुस्से में रहती थी। चलो ये आज आई पूरी। उफ हाँ, मुझे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप वैसे ही प्यारी लगती हैं मैम, उनको करने की जरूरत नहीं है। ये तो सही बात है। आप आपको बोझ तो नहीं लग रहा कि हम आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, मुझे तो ये लग रहा है
चलो मेरा सवाल का तो फिर जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। देखिए आप पतली गली से आपने, मैं अपने आप से अगर पूछना चाहता तो मैं जरूर पूछता कि कभी कभी ना हम अपने लिए काम करते हैं, है ना, हमारी जरूरतें होती हैं, हम घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा भी माहौल हो जाता है कई चीजें आप नहीं करना चाहते होते वो भी आप कर जाते हैं, तो मेरी वो एक प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि वो मैं ठीक करूंगा। मतलब ये सवाल थोड़ी हो, ये तो जवाब दे दिया, जवाब दे दिया आपने पहले, पर अच्छा पहले जवाब सवाल तो अच्छा बताओ क्या था। हर चीज में कॉमेडी नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूँ वो हंसी मजाक में हम लोग जो मर्जी बातें करें, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे, यू ऑल नो कि पेंडेमिक में जो भी हुआ बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो ये कहानी एक आम आदमी की है कि हम सब लोग यहाँ पे एक टीवी शो कर रहे हैं, टचवुड सब कुछ अच्छा है लाइफ में, हर एक की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं, पर एक गरीब आदमी जो कोई जिसके एक परिवार है छोटा सा और उसको अपना घर चलाना है, उसकी नौकरी चली गई है, लेकिन वो घर पे परेशानी भी नहीं बताना चाहता, बच्चे समझेंगे नहीं, बीवी के साथ शेयर करता है, बीवी भी बेचारी छुप छुप के कुछ ना कुछ पति की हेल्प करती है कि मैं घर के साथ साथ मैं कुछ कमा के भी लेके आऊँ। तो ये एक बड़ी प्यारी सी कहानी है जो आप देखेंगे तो आप सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस कहानी के साथ, सो जरूर देखिएगा आप। आपको पता है मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड ये थी पहले, मैंने इनको कहानी सुनाई थी तो ये बोली कपिल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये तू कैसे तू पकड़ेगा वो एक्सेंट, तो ऐसा करेक्टर करेगा, तो मेरी मेंटोर भी हैं अर्चना मैम, थोड़े से टिप्स भी देते, मैंने कहा ओवर एक्टिंग नहीं करना आजकल फिल्मों में, कहता है मुझे पता है, मुझे पता और सो स्वीट, बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करते। पन्नी मैम ने मुझे जितने भी टिप्स दिए मैंने कोई भी नहीं लिया, मैं बात है कि यहाँ पर मतलब जब भी हमारे शो में कभी एसी हल्का भी कर देते हैं ना हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो ये कपड़े फाड़ देता है, गर्मी है, यू नो ये है, जैकेट उतार देता है, व्हाट इज दिस, वहां पर कड़कती धूप में आपने मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू मेक हिम शूट? वेल वो तो मेरा दिल ही बताएगा गर्मी इतनी थी, मैं आपको सच्ची बताऊं मैम, जिंदगी में ना मैं आर्टिस्ट तो बनना चाहता था, मैं पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि मैं एसी लूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि हमने हम नॉर्थ में पले बड़े मैम, हमारे वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि मतलब कुत्ते की तरह गर्मी पड़ती है और होता ना कि छोटे घर में कि एक पंखा ले आए, पिताजी कूलर ले आए तो चार चार पाइयां बाहर डाली हुई हैं और जो कमाता है जिसने कूलर लिया उसका चारपाई फर्स्ट नंबर पे होती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।